शत्रु संपत्ति सुतहेटी महल पर बुलडोजर कार्यवाही। तकरीबन 150 साल पुराने सुतहेटी महल पर नगर मजिस्ट्रेट का बुलडोजर चल गया। दरअसल इस भवन को पालिका ने निष्प्रयोजन घोषित किया था, जिसके बाद सोमवार को उसको ध्वस्तीकरण कार्यवाही शुरू कर दी गई। दरअसल शहर के कोतवाली से साहबगंज चौराहे जाने वाले मार्ग पर सुतहेटी महल है, जो राजस्व अभिलेखों में शत्रु संपत्ति के नाम से दर्ज है, जिसमें भीतर कई परिवार अपना मकान बनाकर रहने भी लगे। सुतहेटी महल को पालिका निष्प्रयोजन घोषित कर चुकी है। महल में दो कब्जेदार बताए गए हैं। पालिका का कहना है कि वे अवैध रूप से रह भी रहे थे और वे स्वामित्व संबंधित कोई अभिलेख भी नहीं दिखा पाए, लिहाजा जिसके बाद उन्हें 2020 में भी नोटिस जारी किया गया था। बाद में 2 जुलाई 2022 में भी नोटिस जारी किया गया, लेकिन भवन खाली नहीं हुआ। सोमवार को नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव आदि पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और जर्जर सुतहेटी महल के बाहरी हिस्से पर जेसीबी चलवा दी। फिलहाल बाहर बनी 3 दुकानें और उसकी ऊपरी मंजिल को गिराया गया है। सुतहेटी महल के भीतर नया मकान बनाकर रह रहे रियाज कुरैसी ने बताया कि महल की जमीन पर एक बीजेपी के नेता व बाइक एजेंसी मालिक का हस्तक्षेप है। उनके इशारे पर ये हो रहा है। हमारे पास जमीन की वसीयत है, DMSP व नगर मजिस्ट्रेट को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव का कहना है कि मकान बनाकर रह रहे लोग अपने अभिलेख नहीं दिखा पाए, जिससे ये तय हो सके कि इस भूमि पर उनका हक है। दो बार उन्हें नोटिस दिए गए, उसके बाद भी खाली न करने पर जेसीबी से ध्वस्त कराया जा रहा है।